अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो ना आप अभी के अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक खौफनाक क्राइम स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुन के ना आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि जिस इंसान के बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, वो इंसान दिमाग का सूप पीता था। रह गए ना हैरान, आइए जानते हैं। नाम राजा कलंदर, असली नाम राम निरंजन। बात है सन 2013 दिसंबर की, जब एक जर्नलिस्ट जिसका नाम धीरेंद्र सिंह था वो लापता था, और उसके लापता होने पर जब उसकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट करी तब जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब धीरेंद्र सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसमें एक लेडी का नंबर मिला। उस लेडी का नाम था फूलन देवी, और जब पुलिस ने फूलन देवी और उसके पति राजा कलंदर को अपनी कस्टडी में लिया तो राजा कलंदर ने ये कन्फेस किया कि ये जो मर्डर किया है धीरेंद्र सिंह का वो उसी ने किया है, और ये मर्डर करने के लिए ना उसका साथ उसके ब्रदर इन लॉ जिसका नाम बख्श राज है उसने दिया था। और अब आया पुलिस के सामने वो खौफनाक मंजर जब राजा कलंदर के घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 14 ह्यूमन स्कल्स मिले, और ये भी बताया गया कि जो जर्नलिस्ट धीरेंद्र सिंह है उसका जो सर है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मिला और बाकी की बॉडी एक तालाब में मिली। यार बचपन में आपको अवार्ड या ट्रॉफी तो मिलती होगी जिसे आप अपने घर पे सजा के रखते होंगे, लेकिन राजा कलंदर का दिमाग कुछ और ही करता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात सामने आई कि जो राजा कलंदर था वो ह्यूमन ब्रेन का सूप बनाकर पीता था, और उसने अपने ही तरीके के अवार्ड बनाए हुए थे, जैसे कि ह्यूमन स्कल का ब्रेन निकालकर सूप पीना, उसके बाद उस ह्यूमन स्कल को अपने ही किसी फार्म हाउस के पेड़ पे लटका कर। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजा कलंदर की ये सारी चीजें करने के पीछे क्या सोच थी। बेसिकली राजा कलंदर ना बचपन से पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से वो मेंटली बीमार हो गया, और उसको ये लगने लग गया कि अगर वो किसी समझदार इंसान का दिमाग का सूप बनाकर पिएगा तो वो बहुत ही होशियार हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि राजा कलंदर के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर कौन सी चार्जशीट फाइल हुई, उसको कितनी सजा हुई, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।